हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप यूट्यूबर कैसे बन सकते हैं बहुत ही आसानी तरीक़ा से। तो सबसे पहले हम उसके बारे में हर एक एक डिटेल के बारे में हम समझाने वाले हैं कि आपको यूट्यूबर बनने के लिए क्या आपको आनी चाहिए, क्या क्या आपके जीवन में ज़रूरत है, आपके किस किस बातों को ध्यान रखना है, ये सारी चीज़ें हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले आपको यूट्यूबर बनने के लिए आपको अपने आप को रोक ना पाए क्लिक करने से। ऐसा थंबनेल आपका यूनिक नहीं होना चाहिए जिससे आपका थंबनेल आकर्षक लगे। ध्यान देना है पहला स्टेप थंबनेल का। आपका थंबनेल क्लिकेबल होना चाहिए जिससे लोग आपके थंबनेल को क्लिक करें। दूसरा पॉइंट है टाइटल। ऐसा अपना टाइटल रखें वीडियो का जो आपके थंबनेल और कंटेंट से मिलता जुलता हो और सर्च लिस्ट में आता हो। ऐसे क्या होगा कि आपका वीडियो बहुत जल्दी रैंक करेगा और वायरल होने का चांस ज़्यादा रहेगा। इसलिए अपना टाइटल बहुत कम ही अक्षर में लिखें और कंटेंट और थंबनेल और सर्च लिस्ट में आता हो, ऐसे मिलते जुलते टाइटल को ही लिखें। तीसरा पॉइंट है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन आपका लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टाइटल आप 1 से 2 सेंटेंस में लिखते हैं और डिस्क्रिप्शन में लगभग 50 से 60 सेंटेंस लिखते हैं। 50 से 60 सेंटेंस में से किसी एक का भी ऑडियंस 10 या 20 सर्च कर दिया और वो आपका वीडियो उनके पास चला गया तो आपका वीडियो कमाल कर देगा, वायरल हो जाएगा। इसलिए आपका टाइटल 2 रहता है 2 सेंटेंस तो आपका 2 ही सर्च ऑडियंस करेंगे, या फिर लेकिन आप डिस्क्रिप्शंस में 50 सेंटेंस लिखेंगे, 50 में से कोई 1 भी करेगा तो आपका वीडियो रैंक करेगा और टॉप में आए। चौथा पॉइंट है टैग। आप अपना वीडियो में टैग लगाएं, सर्च एंजन टैग, जिससे क्या होगा कि आपका वीडियो बहुत जल्दी बूस्ट करेगा, रैंक करेगा, वायरल होने का चांस ज़्यादा होगा। पाँचवा पॉइंट है हैशटैग। हैशटैग आप अपने वीडियो में लगाएं। कोई कोई ऑडियंस है कि अपने वीडियो को चाहे किसी वीडियो को सर्च करता है तो हैशटैग लगाकर सर्च करता है, उसमें आप अपना वीडियो में हैशटैग लगाएंगे तो एसईओ का भी पूरा होगा, एसईओ और सर्च लिस्ट में भी आ जाएगा। आप 15 हैशटैग से ज़्यादा ना लगाएं, 15 ही यूट्यूब का नियम है कि 15 हैशटैग लगा सकते हैं, 15 से कम लगा सकते हैं, 15 से ज़्यादा लगा नहीं सकते। एक्चुअली लगा सकते हैं 15 से ज़्यादा, लेकिन लगाइएगा मत। छठा पॉइंट है वॉइस एडिटिंग। वॉइस को आपको एडिटिंग करना होगा क्योंकि ऐसा क्या होता है कि जो भी नए यूट्यूबर हैं वो शुरू शुरू में हिचकिचाते हैं तो उनका वॉइस थोड़ा क्या होता है कि थोड़ा सा ऑडियंस का थोड़ा सा दिलचस्प नहीं लगता है, जिसकी वजह से आपका वीडियो ऑडियंस नहीं देख पाती है। तो आप अपने वॉइस को एडिट करें। इसके लिए आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, मेरे कोई वॉइस पर मेरे एक वीडियो चाहिए वॉइस एडिटिंग पर, तो हम उस पर एक वीडियो बना देंगे। तो और सातवां पॉइंट है वीडियो एडिटिंग। सबसे महत्वपूर्ण एक काम है कि आप अपने वीडियो को एडिटिंग करे बिना आप अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड ना करें, क्योंकि आजकल जो भी अच्छा कंटेंट, जो भी अच्छा क्वालिटी में वीडियो है उसी को ऑडियंस देखना पसंद करती है, और अच्छा एडिटिंग होता है उसी का वीडियो देखना पसंद करती है ऑडियंस। वीडियो एडिटिंग बहुत ही हार्ड है, कोई भी यूट्यूबर आप लोगों को चुतिया बनाकर चला जाता है। 5 मिनट में कोई भी एडिटिंग नहीं सीख सकता है और ना ही कोई सिखा सकता है। 5 मिनट में कोई, 5 से 10 मिनट में कोई भी आपके वीडियो को एडिटिंग करके सिखा के चला जाता है, लेकिन 5 से 10 मिनट में कोई भी एडिटिंग नहीं सीख सकता है। उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, फिर भी आप नॉर्मल एडिटिंग कर सकते हैं। इस पर भी हम आप कमेंट करिएगा, इस पर भी हम वीडियो बना देंगे। आप बहुत ही अच्छे एडिटिंग हम कर लेते हैं। तो यही 7 पॉइंट था जो हम आपको बताने वाले थे कि आप अपने 7 पॉइंट को कैसे फॉलो कर यूट्यूबर बन सकते हैं बहुत ही आसानी तरीक़ा से। तो इस सारे 7 पॉइंट आप बिल्कुल समझ गए होंगे।
इस वीडियो में नए आए हैं तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा कि आज की वीडियो कैसा लगा, आपका किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा। जय हिंद।